हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता रसोई घर। तो आज लेके आई बहुत ही सिंपल एंड टेस्टी रेसिपी, नमक अजवाइन का पराठा। इसे आप भुजिया, सब्जी, अचार या फिर चाय के साथ खाएं। पराठा का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है नमक अजवाइन का पराठा का। एंड इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से पराठा का लेयर भी होगा एंड ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो ज़रूर बनाएं नमक अजवाइन का पराठा। तो यहाँ मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। अपनी क्वांटिटी के अनुसार गेहूं का आटा ले। तो अब इसमें ऐड करूंगी नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले। तो अब इसमें ऐड कर दूंगी अजवाइन। अजवाइन थोड़ी ज्यादा मात्रा में ले। अजवाइन को हाथों से क्रश करके ऐड कर दे। यहाँ मैंने अजवाइन ऐड कर दिया है। तो अब इसमें ऐड करूंगी घी। मैंने यहाँ पे घी गर्म करके ऐड किया है। घी की मात्रा थोड़ी ज्यादा ले, आटा के अनुसार घी की मात्रा ले। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया है एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से पूरी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि आटे में एक भी गांठ ना रहे। यहाँ पे देखिए आटे बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया, घी एकदम परफेक्ट आटा में मिल चुका है। तो अब थोड़ा सा पानी करके आटे को सॉफ्ट होने तक अच्छे से गूंध लूंगी। नमक अजवाइन पराठा जब भी बना रहे हो तो घी का ही यूज कीजिए। घी से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस पराठे का। यहाँ पे देखिए आटे को अच्छे से मैंने गूंध लिया है। इसे मैं 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि आटे और भी अच्छे सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे देखिए 10 मिनट बाद मैं फिर से आटे को अच्छे से गूंध लूंगी। आटे को अच्छे से मिला लेना है। तब इसकी मैं लोई काट लूंगी। तो आप पराठे के अनुसार लोई ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपको पराठा चाहिए उतनी बड़ी आप लोई ले लें। यहाँ पे मैंने लोई काट लिया है। तब इसे पहले बेल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने लोई पे सूखा आटा लगा दिया है। लोई को पहले हाथों से हल्का प्रेस कर ले, उसके बाद इसे गोल आकार में बेल ले। जिस तरीके से आप रोटी बेलते हैं उसी तरीके से पहले इसे बेल ले। यहाँ पे देखिए रोटी के आकार में मैंने बेल लिया है। तो इसके ऊपर मैं अब थोड़ा सा घी रखूंगी और पूरे अच्छी तरीके से इस पर फैला दूंगी। तो यहाँ मैंने घी रखने के बाद हाथों से इसे पूरी रोटी पे अच्छे से फैला दिया है। घी लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हाथों से सूखा आटा छिड़क दूंगी। इससे क्या होते हैं, जो पराठे जो मुड़ते हैं उसके लेयर बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। इसे मैं डबल कर दूंगी। डबल करने के बाद इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करके मैं फिर से थोड़ा सा घी इस पे रखूंगी और अच्छे से इस पे भी फैला दूंगी और इसे त्रिकोण आकार में मोड़ लूंगी। यहाँ पे मैंने देखिए त्रिकोण का शेप दे दिया है और हाथों से प्रेस करके फिर इसके ऊपर सूखा आटा लगा लूंगी। तो यहाँ पे मैं पराठे को पहले सूखे आटे में लगा के उसके बाद हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। हल्के हाथों से घुमाइएगा तो ये अच्छे से त्रिकोण आकार में बेल जाएंगे। यहाँ पे देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है। इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, ना ही ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम पे रखना है। तो यहाँ पे मैंने तवा गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, इसके ऊपर मैंने घी ऐड कर दिया है। घी पूरे अच्छे से तवे पे फैला दूंगी, उसके बाद पराठे को रख दूंगी एंड थोड़ी देर में पराठे को पलट दूंगी। दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है पराठे को। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पहले घी रख दूंगी और घी रखने के बाद इसे अच्छे से पूरे पराठे पे फैला दूंगी। गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम रख सकते हैं एंड पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेना है एंड दोनों तरफ से घी इस पे लगा देना है। एंड दोनों तरफ से घी लगाने के बाद पराठे अच्छे से फैला दें एंड दोनों तरफ से रेड होने तक अच्छे से पराठे को सेक लें। यहाँ पे देख सकते हैं पराठा जो है बहुत ही अच्छा से सेक गया है एंड पराठे भी बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से आटे को गूंदें तो पराठे बहुत ही अच्छे से फूल जाएंगे। पराठे एकदम परफेक्ट रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।